के बाद ये लीड 8,500 रह चुकी है। इसके बाद जब आगे के जो क्षेत्र हैं, जो एरिया हैं, उनकी वोट जब खुलेगी ईवीएम मशीन के अंदर, तब देखना होगा ये लीड और भी ज्यादा कम होगी। ठीक है वंशु, बड़ी खबर बता दे गोरखपुर से, जहां रवि किशन ने जीत हासिल की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, गोरखपुर से रवि किशन की जीत हुई है। हालांकि ये सीट बीजेपी की कही जाती है, इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेते हैं, सीट को छोड़ते हैं, उपचुनाव होता है, वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है। लेकिन अब गोरखपुर जो कि बीजेपी के खाते में एक बार फिर रवि किशन ने जीत हासिल की है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देखिए रवि किशन यहां से जीत चुके हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब एक बीजेपी की बात करें गोरखपुर से कम बीजेपी को ये खुशी हाथ यहां पर लगती दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन अगर मास तौर पर देखा जाए तो कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पर बीजेपी को निराशा हाथ लगी, लेकिन बात अगर गोरखपुर की करें तो यहां से रवि किशन ने जीत हासिल कर ली है। 4 लाख से ज्यादा वोट जो कि रवि किशन के नाम पर बीजेपी को मिले। हालांकि दूसरे पायदान पर काजल निषाद गठबंधन की प्रत्याशी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रवि किशन ने जीत हासिल की है। हिमांशु लगातार मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं, आप पूरी बात कीजिए, कुछ कह रहे थे हिमांशु आप। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो नतीजे हैं जिस तरह से अब तक रिजल्ट सामने आए हैं, मैंने आपको बताया कि 15 राउंड के नतीजे अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 8,500 वोटों से अभी तक हरेंद्र मलिक जो कि समाजवादी पार्टी से यानी कि जो इंडी गठबंधन है उससे प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे हैं। लेकिन ये नतीजे कभी भी बदल सकते हैं क्योंकि अभी जो राउंड है वो बाकी है, क्योंकि 26 राउंड तक मतगणना यहां पर होनी है। तो अभी 15 राउंड के नतीजे ही सामने आए और आगे देखना होगा किस तरह के नतीजे होंगे। लेकिन पश्चिमी यूपी के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अगर हम सहारनपुर चले जाएं तो सहारनपुर के अंदर भी जो इमरान मसूद है वो एक बढ़त बनाए हुए हैं, वो भी समाजवादी कांग्रेस से वहां पर प्रत्याशी हैं, इंडी गठबंधन के साथ उन्होंने वहां पर उनको कांग्रेस से टिकट मिला था, तो वो बढ़त की तरफ है, एक जीत की तरफ उनको कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जीत का एक नंबर है वो काफी ज्यादा उनका हो गया है, तकरीबन 80,000 प्लस वोट उनको मिल चुके हैं। वहीं अगर हम कैराना की बात कर लें पश्चिमी यूपी के अंदर भी, तो यहां पर भी जो इकरा हसन है उनको एक तरह से कहा जाए कि वो जीत हासिल कर चुकी हैं, उनको जीत का सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है, उन्होंने भी 60,000 प्लस वोट वहां पर उनको कैराना के अंदर मिले हैं। तो पूरे पश्चिमी यूपी के अंदर एक बेहतर प्रदर्शन कहा जाए इस बार विपक्ष ने किया है, यानी कि इंडी गठबंधन ने किया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर यहां पर जो कैंडिडेट उतारे, जो चेहरे उतारे, उनका इम्पैक्ट यहां देखने को मिल रहा है। यही वजह है जो सर्वे निकल कर आए थे उसमें कुछ और था, और जो धरातल पर आज जब रिपोर्ट निकल कर आ रही है यानी कि ईवीएम का पिटारा खुला है, तब जिन प्रत्याशियों के चेहरे निकलकर जीत के रूप में सामने आ रहे हैं वो अप्रत्याशित हैं, उनको लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा हुआ है। और भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि भाजपा को ओवरऑल देखा जा रहा था पूरे यूपी के अंदर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से माना जा रहा था तकरीबन 65 से 70 सीटें भाजपा को मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन उसका उल्टा देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का जो गठबंधन था वो काफी हद तक कामयाब रहा, और वो जो पूरे यूपी के अंदर आपके पास पहुंचेंगे। और इसी से एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए रवि किशन जीत चुके हैं और मिर्जापुर की भी बात हम करेंगे, लेकिन अभी देखिए वो सीटें जहां पर बीजेपी को जीत हाथ लगी है, गोरखपुर की हम बात करें तो यहां से रवि किशन ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रवि किशन जीत चुके हैं, गोरखपुर में अपनी जीत उन्होंने दर्ज की है। और वहीं इसी के साथ अगर बात हम करें साक्षी महाराज की, तो उन्नाव से वो भी जीत चुके हैं। साक्षी महाराज की हम बात करें उन्नाव से, वो भी जीत चुके हैं। अब ऐसे में देखिए कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के पास हैं। कन्नौज से हमारे साथ विनीत बने हुए हैं, तो चलिए विनीत के पास चलते हैं। विनीत देखिए यहां पर विपक्ष की तारीफ अब होने लगी है, और उसके पीछे की वजह यह है कि अक्सर हमने देखा था कि जब वोट बंट जाते थे तो उसका फायदा बीजेपी को होता था, लेकिन इस बार विपक्ष ने इसे पहचाना और जो उसके वोट थे उन्हें संयोजित करके रखा। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, लगातार आपने देखा होगा न्यूज स्टेट जब मतदान की कवरेज कर रहा था तो उस दौरान ये देखने को मिला था कि हमने तभी भी इस बात को बताया था कि काफी साइलेंट वोटर था,
जो वहां पर आया उसने वोट जरूर दिया, कुछ वोटर से नहीं निकले, लेकिन काफी वोट जो था वो गठबंधन को मिला था। और हम अपने आंकलन में भी इस बात को बता रहा था कि ऐसा नहीं भूलना चाहिए, गठबंधन को भी अच्छा वोट मिला है और इस बार काफी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे टकराव देखने को मिला था और नतीजे आपके सामने हैं। तमाम ऐसी सीटें हैं जो सपा गठबंधन के खाते में गई हैं। भाजपा ने हालांकि पूरे पुरजोर कोशिश की और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं नतीजे भिन्नता देती है। यहाँ हमारे साथ एक पत्रकार साहब भी मौजूद है, उनसे एक बार बात करते हैं। क्या लगता है आपको कन्नौज की स्थिति क्या कुछ कहती है?